दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय रूट्स कंट्री स्कूल द बिगेस्ट CBSE बोर्डिंग स्कूल इन शिमला डिस्ट्रिक्ट वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन हाउस हीटेड स्विमिंग पूल स्टेट ऑफ द आर्ट सिनेमा हॉल एक्सीलेंट फैसिलिटी फॉर स्पोर्ट्स लाइक कराटे बैडमिंटन टेबल टेनिस म्यूजिक एंड डांस अवार्डेड बेस्ट CBSE स्कूल इन हिमाचल प्रदेश बाय एजुकेशन टुडे 24 आवर CCTV सर्विलेंस रेसिडेंट डॉक्टर एंड नर्स वाई फाई एनेबल्ड कैंपस स्मार्ट क्लासेस मॉडर्न कंप्यूटर लैब्स एंड लाइब्रेरी 100% बोर्ड रिजल्ट्स Admissions open. Contact for more details 9816080233. नेरवा थाने में SHO कुलवंत कंवर की अध्यक्षता में नशा निवारण कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इसमें विभिन्न पंचायतों के प्रतिनिधियों व्यापार मंडल नेरवा के पदाधिकारियों व स्थानीय लोगों ने भाग लिया। बैठक में क्षेत्र में नशे पर नकेल कसने के लिए रणनीति बनाई गई। अनुसूचित जाति संघ चौपाल के 22 अक्टूबर की रजत हत्याकांड के विरोध में नेरवा में प्रस्तावित धरने को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई। SHO कुलवंत सिंह कंवर ने कहा कि नेरवा में नशे का कारोबार रोकने के लिए पुलिस पूरी तरह से कटिबद्ध है और इसमें सफलता भी मिल रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि कहीं भी नशे से संबंधित गतिविधि की सूचना हो तो उनके मोबाइल नंबर 9816067893 पर इसकी सूचना दें। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जाएगा। पंचायत प्रधानों के साथ नशा निवारण कमेटी के साथ नशे को जड़ से खत्म करने के लिए मीटिंग रखी थी, जिससे हमने इसको खत्म करने के लिए पब्लिक से सहयोग मांगा और हम पब्लिक से यही अपेक्षा करेंगे कि पब्लिक का सहयोग हमारे को मिले। नशे को कहाँ पे यूज कर रहा है, क्योंकि नशे के दलदल में फंसने के बाद ही बच्चा गलत लाइन पे चढ़ता है, इसके बाद वो कई कुरीतियों में फंस जाता है, बुराइयों में फंस जाता है। जैसा कि जब उसके नशे को पूरा करने के लिए उसकी जेब में उसकी पॉकेट में पैसा नहीं होगा तो वो चोरी भी करना शुरू कर देगा। सारा एक गलती की वजह से वो 10 गलतियां करेगा। मेरा पेरेंट्स को हम यही एडवाइस करते हैं कि वो बच्चे को हर एक चीज के बारे में अवेयर करें और फ्रेंडली एटमोसफेयर बच्चे के साथ बनाए। और पब्लिक से मेरा यही आग्रह है कि आप सपोर्ट करेंगे तो हम इसको जड़ से खत्म करेंगे। बाकी हम अपना 100% दे रहे हैं और हम इस चीज को यहाँ से बिल्कुल खत्म करके ही। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए नेरवा से सुरेश सूद की रिपोर्ट।